डेंजर दिखता है सर, विलन में लगता है कि कमल हसन एंड में आएगा कुछ। भाई उनकी आवाज से आप पहचानोगे कि कमल सर है, कमल हसन सर वो। मैं कुछ बोल नहीं, कमल हसन सर जी उनकी सात मूवी तो नॉमिनेट हुई ऑस्कर के लिए। आप उनके कैरेक्टर को इतने जबरदस्त तरीके से आप देखोगे। कमल हसन का रोल थोड़ा बहुत अच्छा दिखाया है, बिगेस्ट कमल हसन सर फैन, लेकिन बहुत ही छोटा रोल है उनका। कमल हसन इज अ सुपर डॉन, तो थोड़ा टाइम लगा उनको पहचानने में। क्या उनका लुक ही काफी है, बहुत ही मतलब डेंजर हम बोल सकते। वो तो बस एक टीजर है, कमल हसन जी का इसमें छोटा सा रोल है। अरे काय के लिए तड़पाते यार, पुष्पा में भी ऐसी क्या, वो भाई अगली फिल्म के लिए बचे हुए। कमल हसन का दो ही सीन है लेकिन काफी खूंखार और डेंजर है, मतलब डेंजर दिखता है सर, विलन में लगता है कि कमल हसन एंड में आएगा कुछ, लेकिन उसको उन्होंने सेकंड पार्ट के लिए रखा। अरे काय के लिए तड़पाते यार, पुष्पा में भी ऐसी क्या, वो आता लास्ट में इंस्पेक्टर, उसको भी सेकंड पार्ट के लिए गया, तो एक्साइटमेंट बढ़ा दिए उन्होंने सेकंड पार्ट के लिए। और मेन कैरेक्टर तो मैं भूल गया, कमल सर, मतलब कि कमल सर की जब इंट्री होती है ना वाला, ऐसे हवा में बैठे रहते थे भाई, उनकी आवाज से आप पहचानोगे कि कमल सर है। जिस तरीके से उनका गेटअप किया ना, जिस तरीके से उनको लुक्स दिया ना, सच में बोलूँ ना, जो कमल हसन को ऐसे सामने जो आवाज से नहीं जानते ना, सिर्फ चेहरे से जानते हैं ना, उनको ना समझ में नहीं आएगा कि कमल सर है स्क्रीन पे, ऐसा लगेगा कि यार कौन है ये, लेकिन जब वो डायलॉग बोलते हैं ना, फिर बोलोगे आप भाई यही कमल सर है। और वहाँ पे कमल सर को ना आप पूरा दिखोगे आप, ऐसा लग रहा मुझे कमल हसन सर वो। मैं कुछ बोल नहीं सकता, सेकंड आप मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कमल हसन सर जी उनकी सात मूवी तो नॉमिनेट हुई ऑस्कर के लिए। ही इज द बेस्ट एक्टर, वर्सेटाइल एक्टर इन इंडियन सिनेमा। इफ यू सी ओवरऑल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ही इज द बेस्ट, कमल हसन। नो वन कैन कम। या उसके साथ साथ मैं ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा कमल हसन की। कमल हसन के सिर्फ हार्डली 2-3 सीन्स है, बट यू विल मिस थ्रू आउट द फिल्म। आप उनके कैरेक्टर को इतने जबरदस्त तरीके से आप देखोगे और आप एक्सपीरियंस करोगे, आपको कहीं ना कहीं थ्रू आउट द फिल्म उनका कैरेक्टर इतना इतना नीडफुल लगेगा ना कि यार यहाँ पे होना चाहिए था ऐसा, तो आप थोड़ा सा वो मिस करते हो कैरेक्टर। कमल हसन साहब तो उनकी बात तो सर एक दूसरे से लेके अभी तक का उनकी सारी जितनी भी फिल्म है मैंने देखी है और इतना इंजॉय करता हूँ उनके काम को लेके, स्पेशली चाची 420 वो और अप्पू राजा, मतलब जिसके 100 डेज हिंदी में पूरा कवर हुआ था। अगर आपने हमारे कमल हसन इतने बड़े जो नेगेटिव कैरेक्टर, उनका एंडिंग में थोड़ा बहुत अच्छे सीन्स लगे। कमल हसन का रोल थोड़ा बहुत अच्छा दिखाया है, बट वो डिटेल में बताता कि वो कितने साल से जिंदा है या कैसे जिंदा है हो रहा है, अगर वो अमर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। जैसे हैरी पॉटर मूवीज़ में कैसे वोल्डेमॉर्ट, मतलब ये समझ लीजिए वो एनिमल का खून पी के जिंदा रहता था, ऐसे ही कमल हसन कुछ बेबीज का सिरम विरम पी के जिंदा रह रहा है। कमल हसन सर के लिए मैं आया था, आई एम द बिगेस्ट कमल हसन सर फैन, लेकिन बहुत ही छोटा रोल है उनका, इतना डिसअपॉइंट थोड़ी सी करती है, लेकिन है गूज़बम देती है। और इन्होंने एक नया सिनेमेटिक यूनिवर्स क्रिएट किया है, वो ज़्यादा बेस्ट है, हमें आगे भी पार्ट्स देखने को मिलेंगे। दे हैव वेरी डिस्टिंक्ट रोल्स, कमल हसन इज अ सुपर डॉन। और कमल हसन तो एक बहुत लेजेंड एक्टर है, और जैसे उनका गेटअप है वो तो पहचान में भी नहीं आ रहे फर्स्ट हाफ में, तो थोड़ा टाइम लगा उनको पहचानने में। कमल हसन का दो सीन है लेकिन धमाकेदार सीन है। कमल हसन सिर्फ 20 मिनट है यार पिक्चर में, पर क्या उनका लुक ही काफ़ी है, वो कुछ ना बोले चलेगा, उनका लुक देख के आप खुश हो जाओगे। और सबसे पहली बात अभी कमल हसन का मैं पूरी तरह से तो नहीं देखूंगा, बट कमल हसन का जो रोल है उनको मिला है बहुत ही मतलब डेंजर, हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। अभी तो उन्होंने बहुत छोटी सी झलक देखी हम लोग ने उस मूवी में कि कल्की कौन है, और जो कमल हसन का जो रोल है इसमें भी महाभारत से अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो दुर्योधन का जो रोल था, बट आई डोंट नो, मुझे लगेगा दुर्योधन का तो नहीं होगा, बट कुछ अलग ही उनका रोल मिला है कमल हसन जी को। कमल हसन सर का जो रोल है वो तो बस एक टीजर है, ट्रेलर भी नहीं है, टीजर है। कमल हसन को तो बहुत कम दिखाया, थोड़ा सा दिखाया लेकिन अच्छा दिखाया उसको। कमल हसन जी का इसमें छोटा सा रोल है बट सस्पेंस रखा है उनके रोल को, और लास्ट में जिस तरीके से उनको दिखाया है वो भाई अगली फिल्म के लिए बचे हुए हैं।